नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। शाहजहांपुर में 5 जुलाई को वन महोत्सव कार्यक्रम की बड़े स्तर पर शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग को पूरे जिले में 59 लाख वृक्षों को लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसके चलते वन महोत्सव कार्यक्रम में 59 लाख वृक्षों में से 70% पेड़ों को लगाने का वृहद कार्यक्रम आज चलाया गया है। कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि जिले के सांसद अरुण सागर को बनाया गया। वन महोत्सव कार्यक्रम में वृक्षारोपण करते हुए सांसद अरुण सागर ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे जिले में एक दिन में 42 लाख वृक्षों को लगाया गया है। सांसद ने बताया कि वृक्षारोपण का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। वन महोत्सव कार्यक्रम में वन विभाग ने बच्चों, समाज सेवियों, व्यापारियों के अलावा मीडिया के सभी पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके हाथों वृक्षारोपण कराया। जिले की 5 तहसील में इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। वहीं लखनऊ से आई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अपर्णा यू ने सभी अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को प्रदूषण से रोकथाम के लिए मौजूदा समय में वृक्षारोपण बेहद ही ज़रूरी हो गया है। ऐसे में लोगों को वृक्षारोपण के लिए मोटिवेट करने की ज़रूरत है। शासन और प्रशासन लगातार वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक कर रहा है। जीबीएन 24 न्यूज के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। वृक्षारोपण एक महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस बार एक अनोखी तरीके से इसको वन महोत्सव के रूप में जन आंदोलन के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। 2 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें आज नोडल ऑफिसर सभी जिलों में जाकर के वृक्षारोपण का कराएंगे। पूरे प्रदेश भर में आज 25 करोड़ का लक्ष्य है। अकेले शाहजहांपुर में मुझे बताया गया है 42 लाख का आज अकेले का लक्ष्य। पूरे वन महोत्सव में जो है अराउंड 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। एंड ये कल और परसों भी इसको मनाया जाएगा। शक्ति वन के रूप में मनाया जाएगा और बाल वन के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, स्कूलों में भी, छात्रों को भी, आम नागरिक को भी जोड़ा जाएगा, जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जा रहा है। एंड मुझे बताया गया इसमें अनोखे रूप में इस बार जियो टैगिंग और टेक्नोलॉजी को बड़े तौर पर यूज़ किया जा रहा है, ताकि पेड़ या पौधे लगने के बाद उसके संरक्षण भी सही तरीके से हो। अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत यहाँ पर 42 लाख जनपद शाहजहांपुर में हमारी लोकसभा क्षेत्र में 42 लाख आज जो है पौधे लगाए जा रहे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इससे प्रदूषण भी मुक्त होगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा।